वेलकम इन्वेस्टर्स टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है। आज का डेट है 24 सितंबर 2020 और ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ था 600 पे। इसने एक लो प्राइस पे ट्रेड किया 555.55 पे और एक हाई प्राइस जो इसका ओपनिंग प्राइस ही था उसी के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। 8.03% का लॉस इसने इक्विटी पे बुक किया है और उसी के साथ 563.85 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। जैसे कि मैं पहले से बता रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि जो फाइनेंस सेक्टर है, जब भी कोई गिरावट आएगी हल्के से भी, अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो होगा फाइनेंस सेक्टर पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फाइनेंस सेक्टर में भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है कंपेयर टू निफ्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में यहाँ पर देखिए ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट का स्टॉक है। जैसे यहाँ से जब मार्केट तेजी में था तो अच्छा खासा यहाँ से इसने रैली दिखाई, लेकिन हम अगर पूरा चार्ट, ये जो चार्ट है ये चार्ट जहाँ तक जुलाई के मंथ से है तो हम जो देख रहे हैं चार्ट पे तो अच्छा खासा हमें प्रेशर और रेड कैंडल्स दिखाई दे रहे। स्टॉक ने ऊपरी लेवल पर ट्रेड तो किया है लेकिन यहाँ पर देखिए सेलिंग के प्रेशर के साथ में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पर 784 पे एक टॉप लगाया और उसके बाद हल्का सा वो यहाँ पर एक करेक्शन दिया, लो बनाया। लो था इसका 640 के पास में और यहाँ से स्विंग एक हाई बनाते हुए फिर से वहीं पे सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा इसने हाई दिखाया जो कि इसके प्रीवियस हाई के आसपास था 780 के पास। और यहाँ से जो फॉल हुआ तो हम देख पा रहे हैं स्टॉक ने यहाँ पर फिर 4 to 5 days तक वो ट्रेड करता रहा, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक नहीं किया जैसे इसके पहले हुआ था और उसके बाद एक हल्का सा स्विंग लेके स्टॉक ने नीचे की ओर गोता लगा दिया है। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो उसके बाद देखिए ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न्स उभर कर आए थे यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा एक बुलिश सिग्नल जो हैमर होता है वो चार्ट पैटर्न बनाता है, उसके चलते स्टॉक का जो प्राइस था वो ऊपर जाना चाहिए था लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एक बेरिश इनगल्फिंग का यहाँ पर पैटर्न बना और उसके चलते स्टॉक आज गैप अप ओपन हुआ और नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा था। चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, हम पूरा चार्ट देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ आज का जो इसका कल के ट्रेडिंग सेशन का गिरावट था 610 के आसपास, जहां से एक समय में इसने क्या लिया था, अच्छा खासा बाउंस लिया हुआ था। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां से ये स्टॉक गिरा है इस बॉटम से जहां से कभी हुई है पहले गैप अप ओपन हुआ था उसी से गैप डाउन गैप अप ओपन होकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बॉटम था 599 का 600 का यहीं से ये स्टॉक गिरते हुए नीचे आया और नीचे आया इस ऑन डेली डिमांड जोन के पास में। यहाँ पर देखिए यहाँ किसी तरह का कोई डिमांड जोन एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ इसने सिर्फ सपोर्ट लेकर स्टॉक का प्राइस हल्का सा ऊपर लेकर आया। स्टॉक में अगर बायर्स एक्टिव होते तो ये कैंडल बनने के बाद कम से कम आज के ट्रेडिंग सेशन कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक हल्का फुल्का तो भी बाउंस बैक हमें दिखाई दिया होता, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमें ऐसे डाउन पर हमें एक बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम 30 मिनट के चार्ट पर और सेटअप करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन का सेटअप। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेड सेटअप करना है। स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से बाउंस बैक करने वाला है तो हम यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हल्का सा हो जाता है, प्राइस यहाँ पे मिले 560 के पास अगर आपको प्राइस मिलता है तो हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस एक बहुत ही कम आपको मिल रहा है, यहाँ पर हम बाय करके चलते हैं 560 के पास पर और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 555 का।
₹5 के स्टॉप लॉस के साथ में, और पहला जो कैंडल है उसको हमको सेटल होने देना है। अगर इसके ऊपर से ही ये अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल के साथ में ओपनिंग होता है तब भी हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा 555 का। यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 607 के पास में हमें निकल जाना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है सप्लाई एरिया, यहाँ पर हमको बेरिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करके शॉर्ट करना है। समझ लीजिए ट्रेड सेटअप, अगर आप समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश की। हमने यहाँ पर बाय किया, क्यों बाय किया, यहाँ पर क्या हुआ है, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हुआ है, तो कल की डेट में क्या होगा, ये बाउंस बैक होगा स्टॉक, और जैसे ही बाउंस बैक करता है तो हमें क्या करना है, बाय करके चलना है, स्टॉप लॉस रहेगा 550 का और फर्स्ट टारगेट हो जाता है 607। हम हमारे सेल एरिया के पहले ही 607 का क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एरिया है 609 से यहाँ पर अगर स्टॉक का प्राइस ऊपरी लेवल पे आता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेरिश पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। और जैसे ही बेरिश पैटर्न ऑन 30 मिनट के चार्ट पे हमें दिखता है इस एरिया से, इसके ऊपर 608 हमें सेल करके चलना है 608। लेकिन आपको लाइव मार्केट में ये सब देखना होगा कि बेरिश पैटर्न कहां पर आइडेंटिफाई हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद फर्स्ट टारगेट हो जाता है 556 का, और चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। और हाँ, अगर प्राइस इससे भी आगे निकल जाता है और यहां पर आता है तो हम यहाँ पर यहाँ से 639 से विदाउट एनी पैटर्न, कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है, हम 639 से हम यहाँ पर सेल कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा SL रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वो 653 का रहेगा। अगर प्राइस यहाँ तक बाउंस बैक करता है और इस लेवल तक आता है तो 639 से हम सेल करके चलेंगे, यहाँ किसी पैटर्न को देखने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस रहेगा 653 का, और 653 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसे सेल कर देंगे, टारगेट हमारा वही रहेगा 556 का। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक इस लेवल पे भी आता है तो हम यहाँ पर इस लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्राइस के पास में हमें बेरिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक गैप अप ओपन होता है या यहीं पर से फिर से बेरिश पैटर्न बना देता है और 555 के नीचे अगर ऑन 30 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल क्लोज होता है, 30 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो हम इसे सेल करके चलेंगे और हमारा SL होगा यहाँ पर 573 के। 573 के SL के साथ में अगर 30 मिनट के चार्ट पर कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो हमें सेल करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 539 का। और अगर 539 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जैसे कि हम सेटअप कर रहे, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 525 का और थर्ड हो जाएगा 516 का। तो ये कम से कम 3 टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के लिए। तो कभी भी हम कहां पर एंट्री कर रहे हैं और कहां हमें एग्जिट करना है ये पता होना चाहिए। ब्लाइंडली अगर ट्रेड करते हैं तो आया हुआ प्रॉफिट भी हमसे मिस हो जाता है। तो ये ट्रेड सेटअप था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखे, अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।